किचन गार्डन में थोड़ा सा अपन साफ सफाई और प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। प्रूनिंग इसलिए कर रहे हैं, पूरे इसकी प्रूनिंग जरूरी है अभी, क्योंकि ये जो है नए लीव आएंगे, बारिश आ रही है तो नए लीव बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होंगे, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सभी की प्रूनिंग करके साफ सफाई करके किचन गार्डन में उसकी अच्छी मल्चिंग करके, यहीं पे मल्चिंग कर देंगे। ये सब जो है या ऐसी पत्तियाँ जो है हम इसी में मल्चिंग कर रहे हैं ये सब, क्योंकि मल्चिंग करने के बाद ये पेड़ की अच्छी खासी ग्रोथ बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं तभी भी अच्छे खासे बैगन मिल रहे हैं अपन को। बैगन हमने हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमको फसल मिल जाती है बैगन की। देख सकते हैं ये बैगन लगे हैं, ये इधर बैगन लगा है, मतलब बैगन कंटिन्यू में मिलते रहता है। इधर भी चालू है, कंटिन्यू चालू है इसको बैगन के पौधे में। और पूरे गार्डन साफ सफाई करने वाले हैं और कुछ ट्रे बड़े करने वाले हैं, कुछ इसमें अच्छी खासी नए सब्जियां लगाने वाले हैं। कल सब्जियां लेने गए थे, मतलब सब्जियों के बीज लेने गए थे। ये देखिए इधर भी बैगन, बहुत सारे बैगन दियो में, देखिए अच्छे खासे बैगन ग्रोथ में है। अभी हमने 2 दिन पहले हार्वेस्टिंग किया, मतलब हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं बनाया था लेकिन हार्वेस्टिंग किया था तो अच्छी खासी ग्रोथ थी। तो ये देखिए बैगन, तो बैगन मतलब फिर से हमारे यहाँ 2 सब्जी के बैगन बैगन आके रेडी हो गए। ये सफ़ेद बैगन देखिए, सफ़ेद बैगन भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। ये बचपन से ही सफ़ेद रहता है ये बैगन, ऐसे लोग बोलते हैं लेकिन ये सफ़ेद बैगन है, बचपन से ही सफ़ेद रहता है। ये देखिए ये बैगन देखिए हरा बैगन है और ये सफ़ेद बैगन है, ये मतलब फर्क है। ये दो नहीं तोड़ मत अभी, ये पूरे एक साथ हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो उस दिन ही तोड़ बोला था। तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है बैगन की। ये देखिए यहाँ के भी हमने 2 बैगन हार्वेस्टिंग किया था और 2 बैगन रेडी हो गए पूरे, मतलब हम पूरे गार्डन की साफ सफाई करने वाले हैं। और यहाँ पे ये ऐसी जो नया ट्रे है, ये जो ट्रे लगाया है ना, ये ऐसी ट्रे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सीधा लंबे में, तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा। इसका भी एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना दूंगा मैं, और अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो ऐसे पूरा किचन गार्डन को अपन ये कर देंगे। और यहाँ पे ये फूल गोभी के वाई फूल बोलते इसको, इसको उखाड़ डालेंगे। वाई फूल में फूल गोभी नहीं बनती है तो ये कुछ काम के नहीं है वाई फूल में। अनीता इसकी पत्ते की सब्जी करेंगे क्या? हाँ सब्जी का है, ओके। तो हम ऐसे करने वाले हैं। और यहाँ की भी थोड़ी सी प्रूनिंग बाकी है, ये तो ये जो पीले पर गिरे हुए पत्ते हैं ये सब छाटना है इसके, उधर की छाट लिया हमने पूरे इसके, तो उसमें अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें पूरा छाट के अच्छे से ये कर देंगे, फिर से नई ग्रोथ अच्छी सी स्टार्ट हो जाएंगी। तो करते हैं अपने किचन गार्डन में, ये हवे से थोड़ा सा ये हो गया, और सभी को पौधे को बांधना है अच्छे से, ये करना है और साफ सफाई करना है किचन गार्डन की। और इधर थोड़ा सा ऊंचा बनाना है प्लेटफॉर्म थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, पानी निकल जाता है तभी भी इसको अच्छे से ऊंचा करेंगे, बहुत अच्छा। तो ऐसे अपना किचन गार्डन का व्यू है और अच्छी खासी फसल ग्रोथ में आ रही है। और कुछ टमाटर के पौधे हमने ग्रोथ करना है अच्छे, 2-4 अच्छे पौधे थोड़े से स्टार्ट करना है और बढ़िया से। और जितने भी ये कचरा है वो सब कचरा उसमें हम मल्चिंग करने वाले हैं, ये जो कचरा है ये सब मल्चिंग करने वाले हैं। जितना भी पेड़ का कचरा निकलता है ये सब मल्चिंग करने वाले हैं उसी में। ये उड़ा है अपने किचन गार्डन का, हम कचरा फेंकते नहीं है, उसी में मल्चिंग के लिए डाल देते हैं। इसमें भी मल्चिंग के लिए डाला है, देख सकते हैं आप। तो ऐसी है पूरा, पानी नहीं डाल रहा है, पानी नहीं डाल रहा हूँ ऐसी। और टमाटर के पौधे थोड़े से ज़रूरी है। और देखिए अपन ने मार्च में फसल लगाई रहती टमाटर की, तो अभी मिली रहती अपन को, मतलब पूरे धूप काले में मिली रहती, मार्च में नहीं लगाई थी अपन ने, तो वो गलती हो गई अपनी। लेकिन अभी धीरे 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 मंथ बाय मंथ डालते जाएंगे पौधे, थोड़े थोड़े ग्रोथ करते जाएंगे। तो ऐसी ये हो गया। चलो ये अपने किचन गार्डन का व्यू है, थोड़ा सा है। और अनीता
क्या तोड़ रही है? अच्छा इधर देख, हाय कर दे और हाय, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलना लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। चलो।